सम्राट पृथ्वीराज फ्लॉप। डायरेक्टर ने अक्षय कुमार को ठहराया जिम्मेदार, बोले पान मसाला ऐड के कारण हुआ ये हाल। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सम्राट पृथ्वीराज की दुर्गति के बाद फिल्म के मेकर्स ने ठीकरा अक्षय कुमार पर फोड़ा है। डायरेक्टर चंद्र प्रकाश चतुर्वेदी ने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा कि अक्षय कुमार का पान मसाला ऐड को लेकर विवाद और पब्लिक में दिए गए बयानों से दर्शक नाराज थे। अक्षय कुमार बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार माने जाते हैं, पर पिछले कुछ सालों से उनका जादू काम ही नहीं कर रहा है। 3 जून को सिनेमा घरों में रिलीज हुई उनकी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज बुरी तरह फ्लॉप रही। यही नहीं, इस फिल्म के साथ अक्षय ने लगातार फ्लॉप फिल्मों की हैट्रिक भी मार दी। आलम यह है कि अक्षय कुमार की यह पीरियड ड्रामा फिल्म कमाई के अर्धशतक तक भी घिसटते घिसटते पहुंची है। तो वहीं अब फिल्म के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने इशारों में सम्राट पृथ्वीराज के फ्लॉप होने के पीछे अक्षय कुमार को कारण बताया है। सम्राट पृथ्वीराज की दुर्गति के बाद फिल्म के मेकर्स ने ठिकरा अक्षय कुमार पर फोड़ा है। डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने फिल्म कैंपेनियन को दिए गए अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा कि अक्षय कुमार का पान मसाला ऐड को लेकर विवाद और पब्लिक में दिए गए बयान से दर्शक नाराज थे, जिसका असर फिल्म की कमाई पर पड़ा। बता दें कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने 18 साल की रिसर्च के बाद फिल्म की कहानी लिखी थी, पर बॉक्स ऑफिस पर इसे मुंह की खानी में 8 दिन भी नहीं लगे। इससे पहले चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने पर्सनल इंटरव्यू में बताया कि अक्षय कुमार ने उन्हें साफ कहा, मैंने राउडी राठौड़ और हाउसफुल में भी काम किया है, ये फिल्में मुझे अधिक भुगतान करती है। मैंने एक प्रयास किया, अगर लोग इसे और स्वीकार करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं राउडी राठौड़ जैसी फिल्में फिर से बनाने लग जाऊंगा। लोग ऐसी चीजें देखना चाहते हैं जिनमें कोई विवाद न जुड़ा हो, फिर मैं वही करूंगा। जहां तक सम्राट पृथ्वीराज की कमाई की बात है तो बता दें कि रिलीज के 20 दिन बाद फिल्म ने अब तक देश भर में 75 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इसने 85 से 90 करोड़ की कलेक्शन किया है। रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय कुमार, मानुषी चिल्लर, सोनू सूद और संजय दत्त जैसे दिग्गज कलाकारों की फिल्मों ने 20वें दिन 65 लाख का कलेक्शन किया है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे 24।